fine. आज ना हम इंग्लिश असाइनमेंट्स का वर्क करेंगे. आप सबके पास असाइनमेंट्स है ना. आज हमें बुक में और वर्कबुक में नहीं लिखना है, आज हमें ओनली असाइनमेंट्स में राइटिंग करनी है. ओके ना स्टूडेंट्स. तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लुक एंड राइट ए टू एस. ए से एस तक आपको अच्छी राइटिंग से लिखना है. ये वर्क हम पहले भी कर चुके हैं ना स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ऐसे आपको हमें अच्छी राइटिंग से लिखना है. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लिखेंगे ए. ए फॉर एप्पल. स्लैंटिंग लाइन करनी है. यहाँ पे भी स्लैंटिंग लाइन, बीच में छोटी सी स्लीपिंग लाइन. ए फॉर एप्पल. उसके बाद है बी. बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बॉल. सी फॉर कैट. उसके बाद है डी. स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल. डी फॉर डॉग. उसके बाद है ई. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन. और बीच में छोटी सी स्लीपिंग लाइन करनी है. ई फॉर एलिफेंट. उसके बाद है एफ फॉर फिश. जी फॉर गन. उसके बाद है एच. स्टैंडिंग लाइन करनी है. यहाँ पे भी स्टैंडिंग लाइन, बीच में स्लीपिंग लाइन. एच फॉर हाउस. उसके बाद है आई. आई फॉर आइसक्रीम. जे फॉर जोकर. उसके बाद है के. स्टैंडिंग लाइन करनी है, स्लैंटिंग लाइन. के फॉर काइट. एल फॉर लैम. एम फॉर मंकी. एन फॉर नेस्ट. ओ फॉर ऑरेंज. पी फॉर पैरट. क्यू फॉर क्वीन. आर फॉर रैबिट. एस फॉर सन. ऐसे ही आपको अच्छे राइटिंग से लिखना है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट लिखते हैं क्या है. राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन पिक्चर. यानी कि ये जो पिक्चर दिए है ना उसका हमें फर्स्ट लेटर राइट करना है. देखो सबसे पहले कौन सी पिक्चर है, ये शूज. शूज है ना, तो एस फॉर शूज होता है ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है एस. एस फॉर शूज. उसके बाद ये क्या है, नेस्ट. नेस्ट एंड फॉर नेस्ट. एंड फॉर नेस्ट होता है ना स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे एंड राइटिंग करनी है. उसके बाद ये है आउल. ओ फॉर आउल. उसके बाद ये क्या है, पेंसिल. पी फॉर पेंसिल. तो हमें यहाँ पे पी राइटिंग करनी है, पी. उसके बाद ये क्या है, रोज. आर फॉर रोज. आर फॉर रोज होता है ना, आर फॉर रैबिट भी होता है और रोज भी होता है. यहाँ पे रोज की पिक्चर है, आर फॉर रोज. उसके बाद ये क्या है, जग. जे फॉर जग. उसके बाद ये क्या है, क्वील. क्यू से क्वील होता है ना. और लास्ट कौन सी पिक्चर है, लैम्प. एल फॉर लैम्प. अभी नेक्स्ट कौन सा पेज है, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट लेटर. यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर दिया है ना, यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं उसको हमें मैच करना है. ठीक है ना, तो ये पहला पिक्चर कौन सा है, पैरट. पैरट पी से स्टार्ट होता है ना, पी फॉर पैरट. तो हम यहाँ पे लेटर्स में पी ढूंढेंगे. ये रहा पी, तो हम पैरट को पी से मैच करेंगे. पी फॉर पैरट. उसके बाद कौन सी पिक्चर है, नोज. तो हम यहाँ पे एन फॉर नोज को मैच करेंगे. नेक्स्ट क्या है, जग. जे फॉर जग होता है ना, तो जे कहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ही है, तो हम जे फॉर जग से मैच करेंगे. उसके बाद क्या है, आइसक्रीम. आई फॉर आइसक्रीम, तो आई को मैच करेंगे. नेक्स्ट है एलिफेंट.
E for elephant. तो चलो ढूंढो E कहाँ पे है, ये रहा, तो हम elephant को E से मैच करेंगे। उसके बाद ये क्या है, lion. L कहाँ पे है, ये रहा, तो हम lion को L से मैच करेंगे। उसके बाद है grapes, G for grapes, तो G से मैच करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, key, K for key, तो K से हम E को मैच करेंगे। एंड लास्ट mango, एक ही वर्ड बाकी है ना, अभी एक ही लेटर्स बाकी होगा, कौन सा बाकी है, M, M से mango, M for mango। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको असाइनमेंट्स में सब फिनिश वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।